आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी स्टूडेंट्स ने सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा पर स्टे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये परीक्षा एसएससी के द्वारा ली जाती है और 2017 में ये परीक्षा ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसके रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज इन छात्रों ने इकट्ठा होकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार और कोर्ट उन दोषी लोगों को पकड़े जिनकी वजह से परीक्षा पर स्टे लगा है, बाकी लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि इस परीक्षा के लिए लगभग 90,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन स्टे की वजह से अब इन छात्रों का भविष्य आधार में लटक गया है। हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, हम कैंसिलेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि कैंसिल कर दोगे तो चीटर नहीं पकड़े जाएंगे। आप रिफॉर्म्स करो, स्टूडेंट यहाँ रिफॉर्म्स के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, या अथॉरिटी का काम है कि रिफॉर्म्स के लिए वो तैयार करें। कैसे उन्हें करना है वो उनका हेडेक है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। 540 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन निकले हुए अब तक, और अब हमारा एग्जाम अगर इस पॉइंट पे कैंसिल होगा तो वो वापस से स्टार्ट होगा। और एक टीयर 3 महीने में होता है, 4 टीयर का पेपर है, 12 महीने तो ये लग जाएंगे, और उसके बाद 12 महीने बाद ज्वाइनिंग आएगी तो 2 साल में निकल जाएंगे। 2018 तक जा चुका है, 2020 में जाके ज्वाइनिंग मिलेगी ऑफिसर्स लेवल के बंदों को, तो क्या करेंगे वहाँ पे? ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के जो ऑफिसर लेवल के बंदे हैं उनको अगर 2-2 साल में 5-5 साल में ज्वाइनिंग मिलेगी तो क्या होगा देश का, भविष्य कहाँ जाएगा? हम युवा हैं, हम यहाँ पे हर बार धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हमने कहीं प्रदर्शन नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था परमिशन कैसे मिलती है। परमिशन के लिए 5 दिन भटके तब जाके हमें परमिशन मिली है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें हाथ पर जोड़े तब जाके हमें परमिशन दी गई है। चाहता हूँ कि हमने टायर 1, 2, 3 सब क्लियर कर चुके हैं। जब हम अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे कि अब हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल, तो उस टाइम पे लोगों ने पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में कि इस एग्जाम में धांधली हुई है। तो इस एग्जाम में पैनल साथ ही साथ 8 महीने हो गए, सीबीआई इंक्वायरी भी कर रही है। अब सीबीआई इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चीटर्स को पकड़ना मुश्किल नहीं है, तो एग्जाम को कैंसिल करना ही बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। इससे लाखों बच्चे प्रभावित होंगे। हमने अपनी जॉब छोड़ के इस एग्जाम की तैयारी की है, तो हमारी इस सिस्टम से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी इसमें धांधलीबाजी की है उनको पकड़ा जाए और हमारा रिजल्ट निकाला जाए। मैंने एसएससी का एग्जाम 2016 में 17 में पूरी मेहनत के साथ तैयारी करके दिया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं क्या, मेरे पूरे घर वाले प्रभावित हैं। मेरे साथ एक पर्सनल हादसा भी हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुवैत में। तो मेरे को डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि संदीप दोबारा पढ़ने का ट्राई भी मत करना। मेरे हादसे में मेन चोट सर में थी, तो दोबारा पढ़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बस मेरी सुप्रीम कोर्ट से, जो उच्चतम न्यायालय है, उससे दरख्वास्त है कि कम से कम कैंसिल ना करो, ऐसा कोई कदम उठाओ कि चीटर्स पकड़े जाएं और धांधली ना हो। इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसमें चीटिंग रोकना इतना मुश्किल नहीं है कि आप कैंसिल करो और दोबारा चीटिंग नहीं होगी। आप कुछ ऐसे कदम उठाओ कि चीटर्स पकड़े जाएं, तभी उनको सबक मिलेगा। इन छात्रों ने कहा है कि अब तक ये छात्र 3 टियर यानी कि 3 बार की लिखित परीक्षा दे चुके हैं, जिसकी तैयारी में इन्होंने दिन रात एक कर दिया। समय, मेहनत और पैसा सब इन लोगों ने खूब लगाया, लेकिन उसके बाद भी ये छात्र ना इधर के रहे ना उधर के। अब इनकी मांग एक ही है कि सरकार और कोर्ट स्टे वापस लेते हुए इनको राहत दे, ताकि ये लोग रोजगार पा सकें। भारत चौहान, दिल्ली।